नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार के द्वारा बीपीएससी टीचर भर्ती जो की गई है हमेशा से विवाद में रह रहा है। कहीं ना कहीं नियम को ताक पर रख के इस बहाली को किया गया है, वो मेरा नहीं या ये नोटिस के द्वारा आप समझिएगा। एक यहां पे बीपीएससी के द्वारा आरटीआई विद्यार्थी जो मांगे हैं उसका दिया है, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा जो लिया गया है। अब आइए सूचना का अधिकार के तहत और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है 1992 वाला, उसके तहत क्या दोनों मिल रहा है या अंतर है? आखिरकार बिहार सरकार को इतना सब कुछ जानकारी है, फिर भी शिक्षा व्यवस्था इस पर क्यों नहीं सुधार कर रही है या सुधार क्यों नहीं की? कभी ही तो वैकेंसी TRE1 TRE2 रद्द भी हो सकता है। रद्द कहने का अर्थ होता है कि रद्द जब होता है तो फिर से टोटल रिजल्ट बनाकर रिजल्ट देना रहता है, और जब आरक्षण का नियम का पालन नहीं होगा तो विद्यार्थी तो जरूर जाएंगे। और लगातार इस पर कई सारे केसेस चल रहे हैं, वह चाहे पटना हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी जगह चल रहे हैं, लेकिन तब भी बिहार सरकार नियम कानून को ध्यान में नहीं रखती है। आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे बिहार लोक सेवा आयोग और यहां पे देखिएगा प्रेषक में प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना, एक नीरज कुमार जी हैं, उनके द्वारा यह मांगा गया है। क्या मांगा गया है इसको समझिएगा। विषय में बताया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, अब थोड़ा सा समझिएगा, एक वर्टिकल आरक्षण होता है और एक आपका होरिजेंटल होता है। वर्टिकल का मतलब होता है ये, होरिजेंटल का मतलब होता है ये। वर्टिकल में मतलब आप देखिएगा, मान लेते हैं यू आर यहां पे है और ये SC है, ST है, OBC अपने यहां दो कैटेगरी में बांटा गया है, BC 1 UR EWS सब। तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है कि आप अगर ST हैं, अच्छा अंक लाते हैं तो UR में चले जाइएगा। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, यदि आप SC हैं, अच्छा अंक लाइएगा तो UR यानी ओपन जो सीट है उसमें आप जा सकते हैं। यदि वर्टिकल का मतलब यह होता है कि आप कोई भी कैटेगरी है आप आगे जा सकते हैं। होरिजेंटल मतलब इस तरीका से होता है, यानी कि जिसको आप सब कुछ यहां से समझिएगा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण क्या है एक एक करके मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। और यह मामला लगातार बढ़ रहा है, तो इससे मुझे लग रहा है नियम को जब ताक पर रखा गया है तो TRE1 भी, TRE2 भी और TRE3 भी। चलिए आगे मांगा गया, आगे क्या है, महा से उपयुक्त विषयक दिनांक 9/7/2024 के हस्ताक्षरित से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के अधीन प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचना कंडिकावार निम्नवत है। कंडिका में क्या है, कंडिका एक में कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया, TRE1 में किसी को कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया, जैसा कि यह पूछा गया वहां से जो जवाब आया। आगे आइए, कंडिका संख्या 2 और 3 में वर्ग 1 से 5 महिला को ऊर्ध्वाधर आरक्षण अनुमान है, यानी कि ऊर्ध्वाधर जो आरक्षण है वह अनुमान्य है, इस बात को आप समझिए। आगे आइए, कंडिका 4 प्रकाशित रिक्तियों एवं शिक्षक भर्ती नियमावली की कंडिका 6(1) से स्पष्ट है, जिसमें नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान है। यह सूचना दिया गया है विश्वास भाजक, यहां पे देखेंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सौ लोक सूचना बिहार सरकार। अब देखिए क्या समझिएगा, यहां पे साफ दिया गया है कि कंडिका वर्ग 1 से 5 महिला को ऊर्ध्वाधर आरक्षण अनुमान्य है, और यहां पे देखिए यह बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती जो नियमावली है 6(a) से स्पष्ट है कि 50% आरक्षण उन लोगों को मिला। अब यहां पे आइए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन क्या है, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। यहां पे आइए, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी मामले में फैसला के मुताबिक, माने जो उस समय फैसला किया गया महिला और पुरुष आरक्षण को लेकर, यानी होरिजेंटल और वर्टिकल आरक्षण को लेकर, कि होरिजेंटल क्या होता है वर्टिकल क्या होता है, तो अब देखिएगा बताया गया मुताबिक महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, महिला को जो मिलेगा वह क्षैतिज आरक्षण मिलेगा, यह मेरा नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, न कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण, जबकि इसमें ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया गया है जो अमान्य है। आगे आइए, क्षैतिज आरक्षण का मतलब है कि ऊर्ध्वाधर श्रेणी से अलग से महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग लोगों को समान अवसर दिए जाएं।
क्षैतिज कोटा को ऊर्ध्वाधर श्रेणी से अलग लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए कई सारा उदाहरण है, आप समझ सकते हैं, उदाहरण में यही आप समझ सकते हैं। यानी कि आप देखिएगा, जिसको यहां पे साफ लिखा गया है कि एक बार और समझिए, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है न कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण, यानी केवल और केवल क्षैतिज मिलेगा, ऊर्ध्वाधर उनको नहीं मिलेगा। आगे ये क्षैतिज आरक्षण का मतलब होता है कि ऊर्ध्वाधर श्रेणियों से अलग से महिलाओं को, अलग से आपको महिलाओं को और दिव्यांगजनों को, ट्रांसजेंडर को और उनके समुदाय को और अन्य श्रेणियों से मिलेगा। अब आइए, विकलांग लोगों को समान अवसर दिए जाने के लिए क्षैतिज कोटा को भी ऊर्ध्वाधर श्रेणी से अलग लागू किया जाता है। और बात समझ लीजिए, तो हालांकि ये क्या चल रहा है, क्या ये नियम सबको नहीं मालूम है, क्या इस नियम पर नहीं होना चाहिए? तो मैं हमेशा से यही कहता हूं कि जब भी देखिए बिहार सरकार जो भी वैकेंसी निकालती है, जब तक एकाध दो बार कोर्ट में ना पहुंचे, जब तक वहां तक ना पहुंचे, तब तक कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप अपना अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद इसी तरह का एक और वीडियो आएगा कि आखिरकार जो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, किस तरीका से आरक्षण नियमावली चलना चाहिए, कितना वैकेंसी आता है, तो उसमें किस कैटेगरी का कैसे बांटा जाता है, महिला का कैसे होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका जहां भी कंफ्यूजन होगा आरक्षण को लेकर, उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।